नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। आज मैं आपको भाग्य रेखा के बारे में बताऊंगा कि भाग्य रेखा अगर हथेली में है तो कितना अच्छा महत्व होता है, अगर भाग्य रेखा नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा मनुष्य को मतलब एक तरह से संघर्ष करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए भाग्य रेखा का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारे हाथ में तो भाग्य रेखा है ही नहीं, अब क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर भाग्य रेखा नहीं है तो ऐसा कौन सी रेखा है जो भाग्य रेखा की तरह ही काम करती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह भाग्य रेखा जो होती है वो चंद्र पर्वत से जाती है शनि पर्वत की ओर, और कुछ रेखाएं होती हैं इस प्रकार से होगी जो सूर्य पर्वत की ओर जाती है, यहाँ तक कि मणिबंध से भी कुछ रेखाएं निकलती हैं और इस प्रकार शनि पर्वत को जाती हैं। चलिए दोस्तों, ये तो मेन भाग्य रेखा है, जो अहम भाग्य रेखा जो हम लोग हाथों में देखते हैं, रेखाओं को जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, यह हृदय रेखा है और यह आप मस्तिष्क रेखा, इससे साइड से जो रेखा निकलती है उसको जीवन रेखा का रूप दिया जाता है। अब हम देखेंगे जीवन रेखा से निकलने वाली रेखाएँ हमारे लिए कितनी भाग्यशाली होती हैं, तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये जीवन रेखा और आप देखेंगे इसमें से कुछ रेखाएं इस प्रकार से निकली हुई हैं। ये जो रेखाएं हैं प्रगति रेखा, सहायक रेखा के रूप से भी इनको जाना जाता है दोस्तों। किसी के तीन होंगी, किसी के चार, किसी के पाँच, इस प्रकार से रेखाएं निकलती हैं। लेकिन दोस्तों, इसका विशेष ध्यान दें, यह जो रेखा है ये सकारात्मक को दिखाती हैं कि आपने इस उम्र में प्रयास किया सफलता की ओर। अगर यही रेखा नीचे की ओर जाती है दोस्तों, तो यह आपकी नकारात्मक को दिखाती है कि आप नकारात्मक की ओर गए हैं। ये रेखा जो जाती हैं इस प्रकार से जाएंगी नीचे की ओर, तब दोस्तों वो रेखा खराब होती है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि यह रेखा नेता, अभिनेता, अरबपति, यहां तक कि भवन निर्माण और तो और वैज्ञानिक के हाथों भी ये रेखा देखी गई है। देखिए दोस्तों, अगर बुद्ध पर्वत पे यह रेखा जाती है यहां से निकल के और बुद्ध पर्वत का स्थान उठा हुआ है, ठीक है ना, तो यह जो रेखा है यह दर्शाती है कि ऐसे लोग अरबपति होते दोस्तों। और तो और इसका कारण क्या है, इनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होती दोस्तों। जैसा कि मैंने हमेशा समझाया कि बुद्ध पर्वत उठा हुआ है और उस पर रेखाएँ हैं तो बौद्धिक स्तर काफ़ी ऊंचा होता है, और जीवन रेखा से निकल के वहाँ रेखा जाती है बुद्ध पर्वत पे तो बौद्धिक स्तर काफ़ी ऊंचा होता है। ऐसे लोगों की खोजने की शक्ति वैज्ञानिक रूप में देखा जाता है, यहाँ तक कि व्यापार दृष्टि से अरबपति भी ऐसे लोगों के हाथों में रेखा देखी गई है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि सूर्य पर्वत पर अगर यह रेखा जाती है इस प्रकार से तो ऐसे लोग क्या होते हैं। कई लोगों की इच्छा होती है जानने की हमारे भाग्य में क्या लिखा है दोस्तों, तो मैं बता दूँ आपको, अगर ऐसे लोगों के हाथों में यह रेखा है तो वह नेता और अभिनेता के रूप में भविष्य में पहचाना जाता है। जितने बड़े बड़े हाथ देखे गए हैं तो उसमें यह रेखा कई लोगों के हाथ में यहाँ तक गई है, इस प्रकार से गई है, और किसी किसी के हाथ में इस प्रकार से रेखाएं देखी गई हैं। तो जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सूर्य पर्वत पे देखा गई है, तो वो ऐसे लोग नेता और अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं और उनका काफ़ी नाम होता है। क्योंकि सूर्य पर्वत जो होता है यश, तेज, मान सम्मान का होता है दोस्तों, इसीलिए इनका चारों तरफ प्रकाश फैलता है। ये हो गया आपका। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर यही रेखा यहाँ पर जाती है शनि पर्वत की ओर मध्यमा उंगली के नीचे, तो मैं आपको बता दूं अगर इतनी पास है तो भवन निर्माण का दिखाता है कि इस उम्र में उसने भवन निर्माण किया होगा। अगर यही रेखा ऊपर तक जाती है तो ऐसे लोग प्रबल भाग्यशाली दोस्तों होते हैं। ऐसे लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं होती है, नाम सम्मान इनका भी होता दोस्तों, क्योंकि शनि पर्वत पर प्रबल भाग्यशाली रेखा पे जा रही है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।